आज सुबह जब दिलीप साहब के जाने की खबर सुनी तो मन बहुत उदास हो गया। ऑफ कोर्स उसके बाद किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। व्यक्तिगत रूप से वो मेरे लिए एक प्रेरणा के गंगोत्री भी रहे हैं और हम सभी चाहते थे कि वो कम से कम 100 साल क्रॉस करें। इस चीज को लेकर हमारे कुछ प्लान्स भी थे लेकिन डेस्टिनी को कोई बदल नहीं सकता। और ये खबर सुन के आज सुबह से काफ़ी उदास हूँ। वो एक न कि एक महान अभिनेता थे, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, इतने बड़े व्यक्तित्व के वो धनी थे, फिर भी उनका जो डाउन टू अर्थ होना मेरा खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। ये उस समय की बात है जब 2003 में मैं मुगले आजम को कलर कर रहा था और चूंकि प्रोजेक्ट शुरू हो गया था और उनसे मुलाकात होने में थोड़ा सा समय लगा था। अमूनन तौर पे दिलीप साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी पिछले 2 डिकेड से। आई थिंक उनकी तबीयत स्वास्थ्य कुछ अच्छा वैसे भी नहीं रहता था, तो कुछ स्वास्थ्य के कारण थे। बहरहाल मैं उनसे मिला और उसके बाद कई मुलाकातें हुई, तो मुझे आज भी एक वाक्या याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था, बड़ा मैं जब उनसे मिला तो उसके पहले मैं बहुत नर्वस हो रहा था कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका, मुगले आजम को कलर करने को लोग लेके वो कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि उस समय हमें जब मैंने करना शुरू की थी फिल्म को तो बहुत ही मिले जुले रिएक्शंस आ रहे थे, तो मुझे बड़ा नर्वसनेस इसलिए थी कि पता नहीं वो क्या बोलें। तो उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि राजीव, हमेशा दुनिया में 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक जो आपकी तरक्की पसंद नहीं करेंगे और दूसरे वो लोग होंगे जिनको जिनके ईगो को आप हर्ट करेंगे, जिनके ईगो को आप हर्ट करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ऐसे दोनों तरीके के लोगों की बिल्कुल परवाह ना करिए, बस इतना ध्यान रखिए कि मुगले आजम एक के आसिफ साहब ने बनाई थी और आप इसको कलर करके करने जा रहे हैं तो ये दूसरी कलर मुगले आजम उसी ही ग्रैंडियर के साथ बननी चाहिए। और आई थिंक वो बड़े खुश थे जब कलर हो रही थी फिल्म और उन्होंने कुछ ऐसे कलर देखे जो वाकई में उनको लगा ये तो ओरिजिनली सेम कलर हमें शूटिंग के दौरान यूज़ हुए थे और यही कलर इनकी इमेजिनेशन भी कर रही है, तो काफ़ी उनको अच्छा लगा था। हम सभी को उनके जाने का बहुत दुख है और वो ऐसे अभिनेता थे जो मुझे लगता है बहुत ही गिनी चुनी फिल्में करते थे। जितनी भी फिल्में उन्होंने करी हैं सारी की सारी फिल्में बहुत ही अच्छी चली हैं, सराहनीय रही हैं फिल्में। और मैं यहाँ पर सायरा बानो जी को भी बहुत ही मैं हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा साथ दिया उन्होंने। 55 साल की जिंदगी में एक साथी होना, एक सफ़र में साथ होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो सायरा बानो जी को मैं बहुत ही हैट्स ऑफ उनको और इस दुख की घड़ी में उनको मैं कॉन्डोलेंसेस भेजता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक सॉन्ग की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं जो कि मैं आज सुबह से मेरे मन में हैं, वो ख्याल में हैं कि लेजेंड्स नेवर डाई, दे बिकम अ पार्ट ऑफ यू। तो इसी के साथ मैं दिलीप साहब जी को बहुत बहुत ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ और दैट्स इट, और कुछ वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। थैंक यू।